तो क्या दोस्तों, गरेना अब से फ्री फायर इंडियन ई स्पोर्ट को फ्री फायर मैक्स में स्टार्ट करने वाली है। इससे रिलेटेड भी मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया न्यूज़ रहने वाली है और उसी के साथ अपने फ्री फायर ई स्पोर्ट कम्युनिटी से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहने वाली है। उसी के साथ फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड भी एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आज का लाइक हम रखते हैं 2K लाइक्स। उसी के साथ हमारे 25K सब्सक्राइबर होने में बहुत कम सब्सक्राइबर चाहिए, तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, हमारा आज का सबसे पहला अपडेट रहने वाला है अपने RTP ई स्पोर्ट और WW3 ई स्पोर्ट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो WW3 ई स्पोर्ट है, जो टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, उनके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो यार, जो RTP ई स्पोर्ट है, उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उसको आप लाइन बाई लाइन पढ़ सकते हो पॉज करके, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उनका मतलब, जो उन्होंने टूर्नामेंट वगैरह विनिंग्स किए, उसका प्राइस पूल क्लियर नहीं हुआ है, उस वजह से उन्होंने स्टोरी लगाई थी। और उन्होंने बताया कि यार, बहुत दिनों से वो डीले पे डीले करते जा रहे हैं और उनकी सैलरीज वगैरह जो भी है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। वो बता रहे हैं कि यार, इस तारीख को देंगे, बट यार अभी तो मतलब वो उस तारीख भी होके गए, लेकिन यार उस तारीख को उन्होंने प्राइस पूल भी क्लियर नहीं किया। फिर यार उन्होंने मतलब अभी जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, बट यार वो अवॉइड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, फ्री फायर ई स्पोर्ट कम्युनिटी में इससे पहले भी बहुत ज़्यादा इशू हो चुके हैं प्राइस पूल रिलेटेड, बहुत सारी टीमों के साथ हुए, बहुत सारी टीमों के साथ स्कैम भी हुआ है। बट यार होप करते कि इनका प्राइस पूल जल्द से जल्द मिल जाए और इस WW3 ई स्पोर्ट इस चीज़ पर ध्यान दे। बाकी यार, आप ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना चाहोगे कमेंट बताना। बाकी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है जॉन्टी गेमिंग की तरफ से। तो जॉन्टी गेमिंग ने अपना एक रील पोस्ट किया। सबसे पहले तो वो रील देख लो। हे गाइस, जॉन्टी गेमिंग है। सो आज की रील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सब ये क्वेश्चन देख ही रहे हो, ये आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मुझे भेजते रहते हो, जहां पर आप बस यही पूछते हो कितना टाइम हो गया है गेम को वेट करते करते, क्या हमें अभी भी ई-स्पोर्ट्स के लिए ग्राइंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इसका आंसर देने वाला हूं। तो एक काम करो, जल्दी से इस रील को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो जो भी ई-स्पोर्ट्स खेलता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या गेम आने वाला है या नहीं। सो गाइस, ई-स्पोर्ट्स में तीन तरह के पर्सन होते हैं। सबसे पहला पर्सन, जिसने गेम खेलना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। दूसरा, जो अभी खेल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत खेल रहा है। और तीसरा, जो लगातार खेल रहा है। उनमें से कुछ आप भी हो जो ये रील देख रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी, जो 12-12 घंटे ग्राइंड करते हैं। तो आपको बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि गाइस, थोड़ा सा कम खेलो यार। 5-6 घंटा भी खेलोगे तो इनफ है, क्योंकि जब गेम आ जाएगा तो 12-12 घंटे ग्राइंड करो, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में, जो 6 घंटा खेल रहे हैं और बाकी टाइम अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। आपको बस मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरी बात समझ गए हो। और आपको बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि फ्री फायर इंडिया बहुत जल्दी लॉन्च होगा। लास्ट में मैं अब बात करना चाहता हूं उनकी, जिन्होंने ई-स्पोर्ट्स गिव अप ही कर दिया। तो आपको बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि फ्री फायर इंडिया जब लॉन्च होगा, उससे आप 2-3 महीना पहले ग्राइंड करना स्टार्ट करना, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आते ही FFIC आ जाएगा और आपका हाथ अगर नहीं चलता होगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, जिससे कि आप दोबारा से वेट करोगे। एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट में इन सब कमेंट्स का मैं एक ही आंसर देना चाहता हूं कि फ्री फायर इंडिया बहुत जल्दी लॉन्च होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी उसकी होप में बैठा हूं, आप भी उसकी होप में बैठे हो, एंड गेम भी उस पे काम कर रहे हैं। तो वेट करते हैं इसका, और जैसी गेम आएगा सब मचाएंगे ई-स्पोर्ट्स वाले। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जॉन्टी भाई ने बोला कि यार मतलब बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन यार उसमें उन्होंने 2 बार रिपीट किया कि फ्री फायर इंडिया बहुत जल्दी आने वाला है। अब लास्ट टाइम मैंने उनका ही एक रील दिखाया था, उन्होंने बोला था इस ईयर तो नहीं पॉसिबल है, नेक्स्ट ईयर आएगा। देखो दोस्तों, मैं भी आपको कुछ सजेशन करना चाहूँगा कि यार एक गेम इस साल तो नहीं आने वाला, मेरे को कुछ भी होप नहीं है। और आप भी होप मत रखना इस साल के कि गेम आ जाए, कुछ हो जाए, तो इस साल मत रखना। बहुत जल्दी मतलब यार, जैसे कि फ्री फायर इंडिया वालों ने बोला कि फ्यू वीक्स में आ रहे, तो फ्यू वीक्स उनका एक साल होता है, तो अपना भी बहुत जल्दी आएगा। आप इसको 6-7-8-10 महीने पकड़ के तो चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं अब से। बाकी उन्होंने एक वीडियो दूसरे दिन डाला और उस वीडियो में बोला कि यार मैं फ्री फायर छोड़ रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ। फिर मैंने बोला एक ही चीज़ थी, लेकिन एक काफ़ी शॉकिंग और मज़ेदार भी चीज़ थी, आप देखना बस। 3 साल हो गए हैं इस गेम का वेट करते करते और अभी तक गेम आया ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, पिछला 1 साल तो यूट्यूबर्स हमको पागल बना रहे हैं कि आ जाएगा। अच्छा, इस डेट को आएगा। ठीक है, अब आएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, समझ गया, आने ही वाला है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है ये सब सुन सुन के, और मैं अब इस गेम को नहीं खेलने वाला हूँ। ठीक है ना? ठीक है, समझ गया। मेरे सारे दोस्तों ने खेलना छोड़ दिया है, वो भी नहीं खेलते हैं, और उन्होंने भी मुझे यही बोला है कि गेम मत खेल, ये नहीं आने वाला है। ये समस्या है, सिंपल सी बात है। इसी टाइम से मतलब इसी पल से और अभी से मतलब ये वीडियो बनाते बनाते से ही मैं गेम खेलना छोड़ रहा हूँ। व्हाट? मतलब मैं फ्री फायर खेलना छोड़ रहा हूँ। गेम खेलने आ रहा क्या? अबे साले, राइट में बंदा है यार, नौके नौके राइट में। गुड इयर।
भाई परसों नया रैंक सीजन आ रहा है, रेडी रहना भाई। भाई एक काम करेंगे, दोपहर के 12 बजे आ जाएंगे और रात के 12 बजे तक एकदम पुश करेंगे। और मैं क्या कह रहा हूँ, एक महीने तक रैंक सीजन के टॉप पे रहते हैं। बाकी दोस्तों हमारा नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है बिहार इंटर स्कूल ई स्पोर्ट चैंपियनशिप 2024 के बारे में, जो कि यार बहुत तगड़ा अपडेट रहने वाला है अपने इंडियन ई स्पोर्ट के लिए। आपको बताना चाहूँगा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसकी डिटेल्स आप इस फोटो में देख सकते हो। इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें बताइए और गेम्स भी बताइए, रियल क्रिकेट, chess.com, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और FC24। तो ये सारी गेम्स है, लेकिन दोस्तों यार आपको बताना चाहूँगा इसमें फ्री फायर इंक्लूड ही नहीं, क्योंकि यार फ्री फायर का मेरे को पता नहीं है सारी चीज़ें क्यों इंक्लूड नहीं होते इन सारी चीज़ों में, क्योंकि वो शायद से एक तो अवेलेबल नहीं उस वजह से, नहीं तो फ्री फायर का ई स्पोर्ट नहीं चल रहा इंडिया के अंदर उस वजह से। ये सारी चीज़ें मतलब जो नॉर्मल गवर्नमेंट वगैरह टूर्नामेंट वगैरह कराती उसमें भी वो इंक्लूड नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत दिक्कत होती यार ऐसे टूर्नामेंट्स में, भेजा में हर जगह है। बट यार फ्री फायर मैक्स वाले मैक्स में ई स्पोर्ट स्टार्ट कर दे तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ रहने वाली अगर मैक्स में भी स्टार्ट करते हैं तो। बाकी दोस्तों हमारा नेक्स्ट अपडेट इसी से रिलेटेड रहने वाला है, क्या गरीना फ्री फायर मैक्स में ई-स्पोर्ट कंटिन्यू करने वाली है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार एक जो सर्वे हुआ था उसमें एक लेटेस्ट क्वेश्चन था, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, उसमें पूछा गया था व्हाई डिड यू कम बैक टू फ्री फायर मैक्स आफ्टर स्टॉपिंग प्लेइंग फॉर अ वाइल। उसमें एक ऑप्शन था पहला ही, आई एम अट्रैक्टेड बाय फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट, मतलब अगर आप ई स्पोर्ट वगैरह स्टार्ट करते हो तो यार मैं फिर से गेम वगैरह खेलना स्टार्ट कर दूंगा। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और गाइस कितने लोगों ने भरा मेरे को आई डोंट नो ये सारी चीज़ें, बट यार जिन्होंने भी भरा अगर ये आंसर सजेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और भी बहुत सारे ऑप्शन थे बट जो ई स्पोर्ट वाला उन्होंने डाला है इधर ऑप्शन, तो उनको भी पता है कहीं ना कहीं ई स्पोर्ट यहाँ पे मैक्स में भी स्टार्ट करते तो अच्छा रहेगा। और जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी उनको पता होगा मैंने एक अपडेट दिया था जिसमें बताया था कि औरा गेमिंग ने बोला है कि यार बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वगैरह भी आने वाले हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट टूर्नामेंट होने वाला है अपने मतलब जो लगभग एडमिन की टीम ही अपनी फ्री फायर की एडमिन की टीम ही जो मैनेज करने वाली है, जिसमें यार यूट्यूबर्स और अपनी ऑडियंस को भी स्लॉट दिए गए 480, तो वो टूर्नामेंट भी होने वाला है, तो वो भी फ्री फायर मैक्स में ही कंडक्ट होने वाला है। तो मतलब कहीं ना कहीं उनका भी मतलब जब तक इंडिया लॉन्च नहीं होता तब तक यार फ्री फायर मैक्स में ही ई स्पोर्ट को कंटिन्यू किया जाए, उस पर वो शायद से अभी आ रहे हैं थोड़े थोड़े धीरे धीरे। बट मैं चाहता हूँ कि यार पूरी तरीके से आ जाए और अपने फ्री फायर इंडिया का ई स्पोर्ट थोड़ा जो पड़ा है 2-4 सालों से उसको थोड़ा खड़ा करने की कोशिश तो करें। बाकी दोस्तों हमारा नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है अपने रॉक एनालिटिक्स की तरफ से, तो उन्होंने कल के लाइव पे अपना जो न्यू टूर्नामेंट करने वाले हैं जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियोज में भी बोला था, तो यार उससे रिलेटेड भी उन्होंने कुछ बातें बताई कि गरीना ने मतलब उनको अप्रिशिएट किया शायद से कुछ ऐसा बोला उन्होंने, तो क्लिप देख लो, थोड़ा लंबा क्लिप है बट आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे एग्जैक्ट क्या सीन है। और आज सेमीफाइनल है कंबक्तो, और मुझे पता है तुम लोग आज के सेमीफाइनल्स के साथ साथ जानना चाहते हो मैक्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन के बारे में, तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग पहले प्रोसेस में कामयाब हुए हैं मैक्स प्रीमियर लीग में। गाइज एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, पंद्रह नहीं, सोलह नहीं, पूरी 24 टीमें खेलेंगी। इतिहास में पहली बार एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें 24 विशालकाय भारतीय टीमें एक दूसरे का सामना करेंगी। 24 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट विल रिप्रेजेंट एट द फ्री फायर मैक्स प्रीमियर लीग। और कौन कौन सी टीमें रहेंगी ये आपको इंस्टाग्राम में परसों पता चलेगा, आई रिपीट, परसों आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी टीमें वो रहने वाली हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको परसों के दिन मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितना आप सबका अनुवाद कर सकूं उतना कम है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, ठीक है, कि मुझे ऐसी ऑडियंस मिली है जो लगातार मेरे को इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ कह रहे थे मामा बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को गरीना से भी अनुवाद मिला है। मैंने एक लिंक लगाया था फॉर द सर्वाइवर शोडाउन जो टूर्नामेंट हमारा 23 तारीख को होने वाला है, उसमें रिकॉर्ड टाइम में 38 मिनट्स के अंदर 480 स्लॉट फुल हो चुके थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ठीक है, जनता जनार्दन है, इतना प्यार देते हैं आप लोग, मैं गदगद हो गया भाई। मैं शायद उन कुछ भाग्यशाली कंटेंट क्रिएटर्स में से हूं जिनकी तारीफ सामने से करते हैं कि आपके पास आप भी अच्छे और आपकी ऑडियंस भी अच्छी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। देखो अभी तो इतनी दूर से सिर्फ नमन ही कर सकता हूं, पास होते तो गले भी लगा लेता, ठीक है।
आपकी दोस्त हमारा नेक्स्ट अपडेट उन्हीं के बारे में रहने वाला है। तो यार उनका जो टूर्नामेंट हुआ था कल उसका रिजल्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सेंटोनिया फर्स्ट पे, सेकंड नंबर पे सिक्स सेंस और थर्ड नंबर पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो गाइज यार बाकी की टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रही है फाइनल के लिए। तो यार बची हुई जो टीम्स है जिसमें आपकी फेवरेट भी कोई टीम हो सकती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। शायद से दो स्लॉट्स ऐसे रहने वाले जिनको फैन फेवरेट वोटिंग से लिया जाएगा, ठीक है। बाकी और ग्रुप का सेमीफाइनल भी बचा है तो यार उसमें से भी कुछ टीम्स क्वालिफाई हो पाएंगी। बाकी यार आप फैन फेवरेट में किसको वोट करेंगे कमेंट में बताना। बाकी दोस्तों यार आज के लिए इतनी अपडेट्स थी, आई होप आपको सारी अपडेट्स अच्छी लगी होंगी और आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। बाकी हमारे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।